मैं डॉक्टर शशिकांत भास्कर, छाती रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज कोरबा में असिस्टेंट प्रोफेसर पदस्थ हूँ। कोविड के केसेस जो है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कुछ नए वेरिएंट्स जो है इंडिया में अभी आए हैं करके, अभी फिलहाल हमारे ज़िले में इस तरह के कोई केसेस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि विंटर सीजन चल रहा है, नॉर्मल सर्दी खांसा खांसी की तकलीफ से पेशेंट जो है वो डेली ओपीडी में आ रहे हैं, और ऐसे कोई संदिग्ध मरीज अगर आते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ दोनों सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। सर, कुछ टिप्स देना चाहेंगे लोगों को जिससे लोग बचे रहें और इन बातों का सावधानी रखें। देखिए, जो कोविड इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है या स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन है, इन सारे वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स जो हैं समान रूप में रहते हैं, जैसे कि सर्दी होना, खांसी होना, गले में खराश होना, दर्द होना, कभी कभी किन्हीं किन्हीं पेशेंट में पतला दस्त या पेट में मरोड़ दर्द के साथ भी ये जो है प्रॉब्लम्स आते हैं सामने। तो अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं या आप प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर्स से परामर्श लेकर दवाइयाँ जो हैं स्टार्ट करके, सिम्टोमेटिक इलाज करके उससे जल्द से जल्द निदान प्राप्त कर सकते हैं। बचने के लिए जो है विशेष रूप से हमको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोविड एटिकेट्स फॉलो करना है। तो कोविड प्रोटोकॉल में क्या है, गाइडलाइंस में, कि हमको जैसे कि अभी कुछ राज्यों में, केरल वगैरह राज्यों में बोला गया है कि 60 साल के ऊपर के जो मरीज हैं, मतलब मनुष्य 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, खासकर ऐसे लोग जो है वायरल इन्फेक्शन या निमोनिया के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो उनमें निमोनिया वगैरह होने का रिस्क ठंडी सीजन में ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर मास्क लगाना है, साथ में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी या लीवर डिजीज से ग्रसित पेशेंट हैं, उनको भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस के कारण वायरल इन्फेक्शन जल्दी होने का रिस्क है, तो वो भी मास्क लगाएं और जो है 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। कफ वगैरह जो है अगर आ रहा है तो उसको प्रॉपर रुमाल का उपयोग करें, कपड़े का उपयोग करें, यहाँ वहाँ ना थूकें, और हैंड वॉशिंग जो है समय समय पर करते रहें, तो इस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं।